बेब्लेड शोगन स्टील, जिससे बेब्लेड फैंस को काफ़ी उम्मीदें थीं, वो सीज़न आखिर फेल कैसे हो गया? इवन IMDb पर भी बेब्लेड शोगन स्टील को बहुत कम रेटिंग्स मिली हैं, एंड अकॉर्डिंग टू IMDb इट्स दी लोएस्ट रेटेड बेब्लेड सीज़न एवर। तो कैसे हो आप सभी? सो गाइस, तो आज के वीडियो में आप सभी जानोगे कि बेब्लेड शोगन स्टील के फेल होने के पीछे का कारण क्या है। तो गाइस, इसीलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करें यार, ऐसे और सारे ऑसम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दो एक नोटिफिकेशन के लिए। और साथ ही साथ आप मेरे दूसरे चैनल FS Anytoons को भी सब्सक्राइब कर लेना, जहां पर मैं आपको दूसरे एनिमे से रिलेटेड थ्योरीज और फैक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। तो यार चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट रीजन, रायोगा'स डिसअपीयरेंस। रायोगा का बेब्लेड शोगन स्टील के एनिमे में ना दिखना बेब्लेड फैंस के लिए बेहद निराशाजनक बात थी। आप में से मोस्टली लोगों को तो ये पता ही होगा कि बेब्लेड शोगन स्टील की मांगा में रायोगा जिंदा है, और जिन्होंने भी बेब्लेड शोगन स्टील की मांगों को पढ़ रखा था उन्हें तो यही लगा होगा कि रायोगा उन्हें इस एनिमे में देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस सीजन में रायोगा को इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि उन्हें जिंगा को एक मेन रोल देना था, और अगर वो लोग रायोगा को भी इसमें ऐड कर देते तो शायद जिंगा को उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी शोगन स्टील में हासिल नहीं होती। सेकेंड रीजन, रिटर्न ऑफ डोजी। बेब्ले मेटल सीरीज में मुझे डोजी का कैरेक्टर समझ में नहीं आता, मतलब बेब्ले मेटल फ्यूजन में रायोगा ने इसे बुरी तरह इंजर्ड कर दिया था, फिर भी ये बेब्ले मेटल फ्यूरी में वापस आ गया। और जब रायोगा ने बेब्ले मेटल फ्यूरी में दोबारा डोजी को सबक सिखाया तो ये माशा बेब्ले शोगन स्टील में फिर मुंह उठाकर चले आए। अरे इससे बेटर तो अपना बोरिस है। बेब्ले सीजन 1 में बोरिस के सारे प्लान्स पर पानी फिर गया और वो बुरी तरीके से हार गया, बट फिर भी वो बेब्ले जी रेवोल्यूशन में वापस आ गया। और जब बेगा ऑर्गेनाइजेशन तबाह हो गई तो बोरिस भाई साहब फिर से भिखारी बन गया। इतना ही नहीं, छोटे बच्चों ने तो बोरिस को हेट किया ही, और साथ में एक डॉगी और एक चिड़िया भी बोरिस पर अपना स्टैंप लगाकर चली गई। मस्त जोक मारा। थर्ड रीजन, कॉपिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम प्रीवियस सीजन्स। और ये जो थर्ड रीजन है ये कहीं ना कहीं मुझे एक मेन रीजन लगता है बेब्लेड शोगन स्टील के फ्लॉप होने का। बेब्लेड शोगन स्टील में हमें कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिले जो कि बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज से कॉपी किए गए थे। गेंजिरो कामेगाकी, ये मुझे मैक्स की एक सस्ती कॉपी लगता है क्योंकि गेंजिरो कामेगाकी की जो टी शर्ट है वो हमें बेब्लेड वी फोर्स वाले मैक्स की याद दिलाती है, और गेंजिरो के पास भी एक टर्टल टाइप बेब्लेड है जैसा कि मैक्स के पास था उसका ड्रेस स्टील। एक और बेब्लेडर है जो कि हमें बेब्लेड शोगन स्टील में देखने को मिला था और वो दिखने में काय से काफी हद तक सिमिलर था, और उसका नाम था कारूरा। अगर गाइस आप कारूरा का फेस देखोगे तो आपको भी उसके फेस पर वैसे ही ब्लू कलर के ट्रायंगल्स देखने को मिलेंगे जैसा कि हमें काय के फेस पर देखने को मिलते हैं। और इतना ही नहीं, उसकी जो हेयर स्टाइल थी वो बेब्लेड के सीजन 1 वाले काय से काफी हद तक मिल रही थी। I mean उसका हेयर कलर तो बिल्कुल काय के जैसा ही था। और इसके अलावा भी एक और बेब्लेडर है जो कि देखने में बिल्कुल रे की ही कॉपी लगता है, और उसका नाम है बाईहू। बाईहू देखने में बिल्कुल रे के बिछड़े भाई जैसा लगता है। बाईहू की हेयर स्टाइल से लेकर उसके कपड़े तक बिल्कुल रे से ही मैच करते हैं। और गाइज इतना ही नहीं, बाईहू के पास एक टाइगर टाइप बेब्लेड है जैसा कि हमारे रे के पास था ड्रिगर। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, और यही थे वो तीन रीजन जिनकी वजह से बेब्लेड शोगन स्टील फ्लॉप हो गया। और अगर बेब्लेड शोगन स्टील भी बेब्लेड मेटल सीरीज के बाकी सीजन की तरह पॉपुलर हो जाती तो हमें बेब्लेड मेटल सीरीज का सीजन 5 भी देखने को मिल जाता। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने हर एक फ्रेंड के साथ, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो नोटिफिकेशन के लिए। और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइज मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।